आज का जो श्लोक है इसमें बताया गया है कि प्राचेतस दक्ष हुए, प्राचेतस दक्ष हुए, स्वयंभू मन्वंतर में दक्ष हुए थे। स्वयंभू दक्ष, स्वयंभू ब्रह्मा जी को कहते हैं, और ब्रह्मा जी से जो पुत्र हुए तो उनको स्वयंभू कहा जाता है। मनु स्वयंभू मनु, क्योंकि स्वयंभू ब्रह्मा जी के शरीर से ही मनु का जन्म हुआ, तो स्वयंभू मनु कहलाते हैं, स्वयंभू के पुत्र हैं, स्वयंभू दक्ष कहलाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के अंगूठे से उत्पन्न हुए तो स्वयंभू दक्ष थे। तो उनका काफ़ी विस्तृत वर्णन मिलता है चौथे स्कंद में। और अब जो प्रचेताओं से जो पुत्र हुए दक्ष, तो इनको कहा जाता है प्राचेतस दक्ष। तो प्रचेताओं के पुत्र श्री प्राचेतस दक्ष कहलाते हैं। तो ये जो है प्राचेतस दक्ष जो हुए प्रचेताओं के द्वारा उत्पन्न हुए, और जो प्रचेता लोग हैं उत्तानपाद के वंश में ही ये प्रचेता लोग हैं। तो प्रचेताओं के पुत्र दक्ष हुए। अब दक्ष जो है क्या करते हैं कि प्रचेता लोग जो है तपस्या के लिए फिर वन में चले जाते हैं। तो चौथे स्कंद में भी वर्णन आता है कि तपस्या के लिए वन में चले जाते हैं। तो फिर दक्ष को राज्य का भार दिया, लेकिन दक्ष ने भी राज्य का भार मंत्रियों को सौंप करके वो भी तपस्या के लिए वन में चले गए। अब प्रचेताओं ने तो राज्य का भार सौंप दिया दक्ष को, लेकिन दक्ष ने भी जो है राज्य का भार लिया नहीं, और वो तपस्या के लिए वन में चले गए। उनकी तपस्या इतनी लंबी चली कि उत्तानपाद का वंश ही समाप्त हो गया। अब उत्तानपाद का वंश ही समाप्त हो गया तो उस समय जो है आधा मन्वंतर बीता था। एक मन्वंतर में 71 चतुर्युग होती हैं, तो आधा मन्वंतर बीता था। तो उत्तानपाद का वंश जो है आधा मन्वंतर तक चला। और अब जो है स्वयंभू मनु की चिंता कि स्वयंभू मनु का जो है समय पूरे मन्वंतर तक का है, तो उनके ही वंश में कोई और व्यक्ति हो जो कि अब चलाए शासन चलाए। तो इसलिए स्वयंभू मनु जो है फिर महाराज प्रियव्रत को जो है आज्ञा देते हैं कि आप जो है अब शासन करिए। तो स्वयंभू मन्वंतर का जो आधा हिस्सा है वो फिर प्रियव्रत ने शासन किया। और प्रियव्रत के जो है जो 10 पुत्र हुए तो उनमें से 7 पुत्र हुए वो 7 द्वीपों के राजा बने, और 3 जो पुत्र हुए उत्तम तामस रेवत ये फिर तीसरे मन्वंतर और चौथे मन्वंतर और 5वें मन्वंतर के मनु हुए। उत्तम तामस रेवत है ना, तो पहले मन्वंतर में जो है स्वयंभू मन्वंतर कहलाता है, फिर स्वरोचिष मन्वंतर दूसरा, फिर तीसरा उत्तम मन्वंतर, और चौथा उत्तम तामस मन्वंतर, और 5वां रेवत मन्वंतर है। तो 5 मन्वंतर बीत गए और दक्ष की तपस्या चलती रही इतनी लंबी। दक्ष की तपस्या इतनी लंबी चलती रही कि स्वयंभू मन्वंतर के बीच में उन्होंने तपस्या शुरू की थी, और स्वयंभू मन्वंतर आधा बीत गया, और फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 3 मन्वंतर और बीत गए। 3 मन्वंतर, 4 मन्वंतर, 4 मन्वंतर और बीत गए। तो 4.5 मन्वंतर बीत गए दक्ष की तपस्या के, और उसके बाद 6वें मन्वंतर में भगवान जो है उनको दर्शन देते हैं। तो 6वें मन्वंतर में फिर दक्ष ने वह प्रजा उत्पन्न की है ना। तो अब 6वें मन्वंतर में प्रजा उत्पन्न की तो यहाँ बताया गया है यश से प्रजा विसर्गे लोका आपूरित आश्रया, तीनों लोग भर गए दक्ष के संतानों से। तो पहले तो उन्होंने विचार किया था कि हम पुत्र उत्पन्न करेंगे, वो प्रजा की सृष्टि करेंगे। तो 10,000 उन्होंने पुत्र उत्पन्न किए हरियश नाम के, उनको आज्ञा दी कि जैसे दक्ष ने जो है प्रजा की सृष्टि के लिए तपस्या की थी और भगवान को प्रसन्न किया, और भगवान से जो है आज्ञा पा करके फिर आए वापस और ये गृहस्थ धर्म स्वीकार किया, तो वो आशा करते थे कि हमारे 10,000 पुत्र ये भी भगवान को प्रसन्न करें वन में जा करके, और उसके बाद फिर वापस आएँ और गृहस्थ बने और प्रजा की सृष्टि करें। तो नारद जी ने उनको जो है मतलब इस प्रकार की शिक्षा दी कि आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन गए। तो दक्ष बड़े निराश हुए, फिर 1,000 पुत्र और उत्पन्न किए सबलासु नाम के, उनको भी आज्ञा दी कि तुम लोग भगवान को प्रसन्न करो फिर आगे गृहस्थ धर्म का पालन करो। लेकिन नारद जी ने उनको भी जो है नैष्ठिक ब्रह्मचारी बना दिया। तब दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया और फिर उन्होंने कन्याएं उत्पन्न की। क्यों कन्याएं उत्पन्न की? नारद जी इनको प्रचार नहीं करेंगे कन्याओं को नारद जी, और कन्याओं का ऐसा है भी नहीं विधि कि वो वन में जाएं तपस्या करने के लिए।
कन्याओं को तो पिता के द्वारा ही पूरा शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त होता है, तो वो जो है कन्याएं जो है मतलब कहीं नहीं जाएंगी वन में तपस्या करने के लिए, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए, कोई ब्रह्मचर्य आश्रम कन्याओं के लिए होता ही नहीं है। तो 60 कन्याएं जो उन्होंने उत्पन्न की, तो उनके फिर जो विवाह हुए तो उसे तीनों लोग भर गए जो स्वर्ग लोग। तो अदिति जो उनकी पुत्री थी उसे जो है आदित्य, 12 आदित्य हुए, तो वो सब देवता, उनकी फिर और संतानें हुई। तो देवताओं का मतलब पूरा बहुत विस्तृत जो वंश है वो स्वर्ग में वो हैं। तो स्वर्ग भर गया अदिति के पुत्रों से। और जो दिति पुत्री थी इनकी दक्ष की, तो इनसे जो है दैत्य उत्पन्न हुए। तो दैत्यों से जो है फिर वो लोग जो है पाताल में गए, बलि महाराज को जो है भगवान ने आदेश दिया सुतल में जाओ वहाँ पर रहो। और सर्प भी कद्रु से जो है सर्प उत्पन्न हुए, शेषनाग भी उनसे उत्पन्न, उनके पुत्र हुए, तो वही पाताल में है। तो सातों भूविवर में सर्प भी हैं, और सर्प लोग ही जो है उस सातों पातालों में प्रकाश पैदा करते हैं, उनके सिर में जो बड़ियाँ होती हैं वही अंधकार को दूर करते हैं। और सप्त पाताल जो है भू विवर कहलाते हैं या बिल स्वर्ग कहलाते हैं, वहाँ सूर्य का प्रकाश जाता ही नहीं, तो दिन रात कोई अंतर ही नहीं होता है। तो वहाँ पर जो है सर्पों के जो है सिर में जो मड़ियाँ होती हैं उन्हीं से ही प्रकाश पैदा होता है, सब बेसमेंट इस प्रकार का बेसमेंट है वहाँ। तो यहाँ पर जो है सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यस्य प्रजा विसर्गिने लोका आपूरितास्त्रया, तीनों लोग जो है भर गए दक्षिण। तो ये छठवां मनवंतर है जिसमें कि सृष्टि की जो है इतनी जो है मतलब हुई सृष्टि, ज़्यादा सृष्टि का इतना ज़्यादा विस्तार हुआ। तो आगे चल करके भी दक्ष का वर्णन आएगा। तो छठा स्कंद भी है और छठे मनवंतर की जो है ये सब कथा दक्ष के द्वारा जो कन्या उत्पन्न हुई, फिर उनके विवाह हुए, और उनके फिर अदिति के संतानों का वर्णन हुआ, और दिति के संतानों का वर्णन हुआ, और फिर इसमें वृत्रासुर की कथा आती है। तो छठा स्कंद जो श्रीमद् भागवत का है वो इस प्रकार से है कि छठे मनवंतर की ही सब घटनाएँ हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय।